नमस्कार, आप देख रहे हैं भोजपुर दर्शन और मैं हूं आपके साथ राजेश तिवारी। महागठबंधन के द्वारा बिहार विधानसभा के अंदर जो घटना हुई, उस घटना के विरोध में महागठबंधन के कार्यकर्ताओं ने बिहार बंद का आह्वान किया था, जिसका मिला जुला असर भोजपुर में देखने को मिला। राजद कार्यकर्ताओं ने आरा रेलवे स्टेशन से प्रदर्शन जारी करते हुए शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए सरकार के खिलाफ नारेबाजी किए। राजद के कार्यकर्ताओं ने इसकी उच्च स्तरीय जांच की मांग भी कर रहे थे। भारतीय जनता दल भोजपुर जिला इकाई द्वारा बिहार विधानसभा में मुख्यमंत्री द्वारा लोकतंत्र का चीरहरण, बेरोजगारी, महंगाई, काले किसान बिल, बिहार विशेष सशस्त्र अधिनियम सहित अन्य जन सरकार से जुड़े मुद्दे को लेकर भारत बंद के समर्थन में राजद जिला अध्यक्ष बीरबल यादव के नेतृत्व में आक्रोश मार्च निकाला गया। यह आक्रोश मार्च आरा रेलवे स्टेशन परिसर से शुरू होकर नवादा चौक, बड़ी मठिया सदर लोकेशन से पकड़ लेवे करे नहीं चलेगी।
अलग भाई जवाब तुमको देना होगा, जुल्म के टक्कर में मुख्यमंत्री के टक्कर में मुख्यमंत्री होश में आओ, जनता दमन बंद करो, अत्याचार करना बंद करो, विधायकों पर अत्याचार करना बंद करो, इस्तीफा दो, लोकतंत्र के हत्या बंद करो, बिहार सरकार होश में आओ, नीतीश कुमार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, नीतीश कुमार तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, पुलिसिया गुंडे पलना बंद करो, बंद करो, बंद करो, अपने विधान को पर हुआ लाठीचार्ज का जवाब तुमको देना होगा, मार्च को युवा राष्ट्रीय जनता दल के बैनर तले रोजगार युवाओं के रोजगार पूरे प्रदेश में भ्रष्टाचार दुराचार लूट हत्या बलात्कार के खिलाफ युवा राष्ट्रीय जनता दल बिहार विधानसभा का घेराव करने का और युवाओं को जो 19 लाख का वादा किया था एनडीए की सरकार ने उस वादा के बदौलत पूरे विधानसभा का घेराव का आह्वान था और माननीय नेता बिहार के मुखिया नीतीश कुमार के द्वारा जो छात्र नौजवानों पर लाठी चार्ज किया गया, बर्बरतापूर्ण पिटाई की गई और उसके बावजूद सदन में विपक्षी विधायकों के साथ जो दुर्व्यवहार किया गया, मारपीट की घटना हुई, उनके पुलिस गुंडों के हाथों हमारे माननीय महागठबंधन के विधायकों को गर्दन में हाथ लगा करके सदन से बाहर किया गया, उसके खिलाफ पूरे बिहार में राष्ट्रीय जनता दल सहित महागठबंधन के नेता आज सड़क पर उतरे हैं और इन निकम्मी सरकार को मुंहतोड़ जवाब देने का काम करेंगे। पूरा बिहार आज बंद रहेगा, सारे व्यवसायिक प्रकोष्ठ सामाजिक न्याय के लोग कंधे में कंधे मिला करके इस कार्यक्रम को सफल बनाने में लगे हुए हैं। शांतिपूर्ण बिहार बंद है। आप लोगों ने देखा कि जिस तरह से शहीद आजम भगत सिंह के शहादत दिवस के दिन, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी के जयंती के दिन, जिस तरह से बिहार विधानसभा के भीतर में और विधानसभा के बाहर में जब 19 लाख रोजगार मांग रहे युवा राजद के साथियों के ऊपर लाठी चलाया गया, विधानसभा के भीतर में जो पुलिस सशस्त्र विधेयक 2021 को पारित किया जा रहा था उसके खिलाफ में बिहार विधानसभा विपक्ष के विधायक वहाँ बोल रहे थे, हंगामा कर रहे थे और यह घटना कोई पहली बार नहीं घटी है। 1986 में जब कर्पूरी ठाकुर जी विपक्ष के नेता थे तो बिहार विधानसभा में 3 दिनों तक दिन रात धरना चला था। 1977 में जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी तो समाजवादियों ने अध्यक्ष के कुर्सी पर बैठ करके विपक्ष ने सदन चलाया था, लेकिन यह पहली घटना घटी है कि बिहार में लोकतंत्र की हत्या की गई है। पूरे बिहार ने, पूरे देश ने देखा कि किस तरह से चुने हुए जो जनप्रतिनिधि है 3 लाख पर एक विधायक चुना जाता है और वो विधायकों को किस तरह से बेइज्जत किया गया। आपने देखा कि आरा के विधायक सुदामा प्रसाद को, पटना के डीएम ने
विधानसभा के सीढ़ियों से खींच करके बाहर फेंका। अति पिछड़ा समाज से आने वाली महिला विधायक नोखा की अनिता देवी को किस तरह से साड़ी खींचा गया, उसको झोटा पकड़ करके बाहर फेंका गया, किस तरह से महिला विधायकों के ऊपर में हमले किए गए, यह तमाम तरह की जो घटनाएं घटी, लोकतंत्र की हत्या किया गया है। और यह भूमि बूथ की भूमि रही है, यह डॉक्टर जयप्रकाश नारायण की भूमि रही है, यह डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की भूमि रही है, यह कॉमरेड राम नरेश राव मास्टर जगदीश रामेश्वर यादव की भूमि रही है। यह धरती पर अन्याय बर्दाश्त नहीं होगा और लोकतंत्र के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। ये चाहते हैं कि विधायकों के ऊपर में हमला करके विपक्ष के नेताओं को हम डरा दे, धमका दे, बिहार में कोई बोलेगा नहीं, तो नीतीश जी भ्रम में मत रहिए। आने वाले दिनों में सरकार आपके हमेशा नहीं रहेगी, सरकार बदलेगी सरकार, लेकिन देश में लोकतंत्र रहना चाहिए। यह लोकतंत्र बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के अनुसार चलेगा, इसलिए यह लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है, संविधान को बचाने की लड़ाई है। और पूरे बिहारवासी एक है, और आज बिहार बंद के समर्थन में भोजपुर के एक एक जनता, एक एक हमारे दुकानदार भाई, सब लोग बंद के समर्थन में सड़कों। आज प्रदर्शन 23 तारीख को आदरणीय नेता तेजस्वी जी के आह्वान पर पूरे बिहार में जुआ राष्ट्रीय जनता दल द्वारा जो नीतीश और भाजपा की गठबंधन सरकार ने बिहार के जनता के साथ वादा किया था, युवाओं के साथ, कि हम सत्ता में आते ही 19 लाख लोगों को सरकारी नौकरी में रोजगार देंगे। आज सत्ता के 6 महीना बीत जाने के बाद भी, सरकार बनने के बाद, 19 लोगों को रोजगार नहीं दिए गए। युवा जब रोजगार मांगने के लिए पटना में अपनी मांग कर रहे थे तो डकबंगला चौराहा पर नेता प्रतिपक्ष भी थे, तेज प्रताप जी भी थे, हम लोग भी थे, 20,000 युवा, 25,000 उन लोगों पर लाठी पुलिस के द्वारा घेरवा कर और पत्थर से पिटवाया गया। जालियांवाला बाग की स्थिति फैल थी, लगता था कि ये लोग देशद्रोही हैं, ऐसे लोगों को पिटवाया जा रहा था। नीतीश शासन निरंकुश शासन हो गई, बेलगाम हो गई है, पुलिस दमन के द्वारा आंदोलन को दबाना चाहती है, ऐसा हरगिज होने नहीं देंगे। उधर विधानसभा में विधायकों को पुलिस, विधानसभा में पहली बार पुलिस को बुलवाकर विधायक को जलील कराया गया, निर्लज्जता के साथ महिला विधायक को, दलित महिला विधायक को, आप देखिए अनीता जी का, मैंने सारे विधायकों को पिटवाया गया। ये शर्मनाक घटना, आज नीतीश सरकार एकदम अमादा हो गई है, उतारू हो गई है, किसी भी नाम का शासन प्रशासन नाम का चीज नहीं बचा है। बिहार में अपराध बढ़ा है, हत्या, लूट, अपहरण, बलात्कार, बेरोजगारी, भुखमरी के कगार पर बिहार है। कृषि कानून बिल लाकर देश की जनता, किसान को, मैं 90 दिन से आंदोलन पर बैठ रही है, उन पर 60-70 किसानों की मृत्यु भी हो गई, कोई सुध लेने वाला नहीं है। आप कह रहे हैं कि हम किसान का काम करते हैं और किसान बदहाल और बेहाल है। सारा देश अराजकता की स्थिति में है, भाजपा और नीतीश के शासन में कोई शासन प्रशासन नाम का चीज नहीं है। ये पुलिस कानून लाए हैं, पुलिस कानून से क्या होगा, आम लोगों की परेशानी बढ़ेगी और निर्दोष जनता को केस में फंसा कर पुलिस उनको पेरने का काम करेगी। इस काला कानून का भी हम लोग सख्त विरोध करते हैं। ठीक, अरुण कुमार सिंह यादव, जिला अध्यक्ष जुआ राजद भोजपुर।